हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं जूनी फॉर यू। आज हम बात करेंगे डेस्कटॉप के बारे में, अपने डेस्कटॉप को कस्टमाइज़ कैसे बना सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल है। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है डेस्कटॉप टॉयज। ओके, आप अपने ऐप्स को टॉयज की तरह यूज़ कर सकते हैं। कभी आप इसको घड़ी भी बना सकते हैं, आप जो चाहें रेक्टेंगल, सर्कल, वट एवर यू चूज। ओके, और मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, अभी मेरा इंटरनेट दोस्तों डिसकनेक्ट है। ओके, आप देख सकते हैं नो इंटरनेट एसेस। मैं आपको बता नहीं सकता कैसे डाउनलोड करूँगा, बट इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, अभी मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और आपको यूज़ करके इसको बता दूँ। ओके, आपको सिंपली डबल क्लिक करना है और यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद सिंपली आप व्हाटएवर जो भी यहाँ एक्सेप्ट कर देना है, नेक्स्ट करना है। डेस्कटॉप क्विक लॉन्च के नहीं करना तो आप टेक्स्ट बार में भी इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कर देते हैं और आप ये देख सकते हैं लॉन्च डेस्कटॉप आइकॉन। ओके, ये आप देख सकते हैं चेंजिंग हो चुकी है। ओके, ये आप देख सकते हैं लोगो यहाँ लिखा हुआ है डेस्कटॉप आइकॉन टॉयज। ओके, आपको सिंपली यहाँ राइट क्लिक करना है, यहाँ लेआउट लिखा होगा। अब यहाँ से जो चाहे अपने एप्स को वॉच का लुक देख सकते हैं, सर्कल देख सकते हैं, राउंड, क्रॉस, ट्रायल, बहुत से हैं, स्टार। अभी मैं यहाँ आपको एक यूज करके बताता हूँ, आप क्लॉक बनाए तो अपने ऐप्स को क्लॉक भी बना सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें आप अपने हिसाब से, ये आप देख सकते हैं, और राइट एंगल भी बना सकते हैं। ओके, ओके, और यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। बड़े बार आप जो भी यूज करें, ओके, आप कस्टमाइज बना सकते हैं अपने ऐप्स को। फर्स्ट वीडियो मेरी, इसके बाद और भी 3-4 वीडियो हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी मैं लिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट। ओके, ये फर्स्ट कस्टमाइज है, सेकंड 3D में आ जाएगा, 4 और मैक में आ जाएगा, अपने विंडोज को मैक कैसे बनाते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।